হাই গাইস, কেমন আছো সবাই? আই হোপ সব মস্ত। তো গাইস, ভেনম সেট जी हाँ गाइस, वेनम सेट ही है अपना ये, क्योंकि वेनम जैसा ही दिखता है ये। बस वेनम के जैसे बड़े बड़े दांत नहीं है इसके पास, उसके अलावा तो ये वेनम सेट ही है अपना। इन्वेडर सेट, इन्वेडर सेट तो है ही नहीं है, ये वेनम सेट है, ठीक है। कोई भी इसको इन्वेडर सेट नहीं बोलेगा, ये वेनम सेट है, ठीक है। तो गाइस ये सब डाउनलोड कर लेते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आउटफिट्स एंड मुंडी वुंडी सब कुछ है। तो ये डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्रेट ओपनिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक मस्त प्लान था मेरे पास कि मैं हर महीने मिथिक फॉर्ज का एक या दो दो क्रेट ओपन करूंगी, ठीक है। तो ऐसे कर करके मेरे पास 5 हो गए, ठीक है। अभी तक के मतलब जब से आया है तब से मैंने किया, तो अभी तक 5 ही हो पाए गाइस। तो बाकी का जो है वो मैं वापस से क्रेट ओपन करने वाली हूँ, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। वैसे तो कुछ नहीं देंगे बीच में वाले साले, वेनम इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, पर ठीक है कोई बात नहीं। देख रहे हो गाइस, इसमें कुछ नहीं मिलता। मिथिक फॉर्ज में तो यार बहुत ही मुश्किल है मिलना, मतलब जिनको मिला है ना यार वो तो बहुत ही ज्यादा लकी है बोल सकती हूँ मैं। उसके अलावा तो बहन जो इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे पता ही था कुछ मिलता ही नहीं है यार। ये टाइम लिमिटेड का भंग बटूरा ही खत्म नहीं होता इनके। यार कितना टाइम लिमिटेड दोगे साले, टाइम लिमिटेड दे दे के तुम्हारी आंट फुल नहीं हो रही है क्या? तो गाइस वापस से एक और 180 का करते हैं, देखते इसमें क्या मिलता है। वेनम सेट आ जा। अरे साले, अरे बेइज्जती है यार गाइस, बेइज्जती करता है ये तो। खैर इसमें वापस से कुछ नहीं मिला, चलो एक और 180 का करते हैं। लेट्स सी इसमें मिलता है क्या कुछ। कुछ टोपा टूपा ही दे दो मिथिक यार। ओता तुम्हें कोई टोपा टूपा भी नहीं दोगे क्या मिथिक? चलो यार गाइस, इसमें कुल्हाड़ी के अलावा तो कुछ नहीं मिलता। कुल्हाड़ी से साले वेनम साले, कुल्हाड़ी से काट दूंगी तेरा। मजाक था यार, दिल पे मत ले गाइस, ये तो मार काट पे आ जाता है एकदम ही। तो गाइस एक और करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ओके, उड़ने वाले कूपन यार, यही सब तो देंगे यार। गाइस इतना भाव खा रहा है ना ये वेनम अंडू, तुम मिल साले, तुम मिल तेरे को जिंदा गाड़ दूंगी। अरे चीता ही कह दे। अरे इसने तो मेरे कैरेक्टर को ही उठा लिया। अरे मजाक कर रही थी यार, बस मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों के सामने थोड़ा फ्लेक्स मार रही थी यार। अरे नहीं यार, तेरे को कोई जमीन में गाड़ सकता है क्या? इतना बड़ा शरीर लेके तो जमीन में घुसेगा बहन, जो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। तो वापस से 180 का करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। लेट्स गो वेनम, आ जा वेनम, आ जा वेनम, आ जा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। यार ये यार एक पत्थर दे दिया गाइस, हमारे पास हो गए हैं 8 पत्थर हो गए। एंड गाइस बीच के जो दो थे वो मैंने वो छोटे छोटे प्लेन से, वो जो लाल कलर के छोटे प्लेन है ना, उससे मैंने इसको रिडीम कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास 8 हो गए थे। तो चलो गाइस 10 ही उसी का पहले ये वाला ओपन कर लेते हैं, बीच के 2-3 ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सप्लाई क्रेट या कुछ भी क्रेट हो तो आप 10 ही उसी का ओपन कर लेना। तो ये मैं ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान जरूर से ना एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि देखो इसमें मैंने 30 यूसी में मेरे को, अरे 6x दे दिया यार, पर गनी नहीं है मेरे पास, फार्मर्स की गनी नहीं दी तुम लोगों ने, 6x दे रहे हैं उठा उठा। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रोथ पैक में एक बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आए हैं, उसमें जैसे कि ये 2x यूसी वाला था जो कि है ये रिबेट 33%। ये अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आप ये जरूर ले लेना, बिकॉज ये वाला बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैंने ये खरीद रखा है तो फिर आप ये मिस मत करना, ये वाला जरूर खरीद लेना। एंड उसके साथ साथ मिथिक पैक भी मिल रहा है, एक मिथिक एम्बलम के पैक्स मिल रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस मैं इसमें मिथिक एम्बलम पैक जो है ये वाला बाय करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 79 जो स्मॉल मिथिक एम्बलम्स है वो मिल रहा है, तो उससे हमारा एक बड़ा पत्थर बन जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस मैंने रिडीम कर लिया एंड मुझे इंस्टेंट इसमें 300 यूसी प्लस 15 मिथिक एम्बलम्स मिल गए हैं, एंड मुझे टोटल एक महीने तक 79 मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस काफी इसमें देखो गाइस मेरे को 24 मिल गए, वहाँ पे मेरे को 19 मिले थे, इसमें मेरे को 24 मिल गए। तो ये काफी अच्छा डील है, आप ले सकते हो। एंड ये 30 मिथिक एम्बलम से आपका एक बड़ा पत्थर बन जाता है, तो आप डेफिनेटली लेना। जैसे कि देखो मेरे पास अभी 16 मिथिक एम्बलम्स है, तो फिर मैं इसको ओके करूंगी तो मेरे को 2 बड़े पत्थर मिल चुके हैं, तो मतलब 8 से मेरा हो गया है 10। अब मैं हमारे वेनम को खींच के निकाल सकती हूँ रिडीम सेंटर से। आजा अब आजा साले, बहुत नाटक कर लिया तूने, अब तो तू आ ही जा, कहाँ जाएगा साले वेनम? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन्वेडर से ज्यादा तो मेरे को ये वेनम जैसा दिखता है गाइस, आप मानते हो कि नहीं? कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वेनम सेट लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है बहुत मस्त एकदम। तो गाइस मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ग्लेशियर सेट रिडीम करूँ या फिर इन्वेडर सेट रिडीम करूँ, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन फिर मैंने सोचा हटाओ यार ग्लेशियर सूट का क्या करेंगे, तो मैंने कर लिया है हमारे वेनम को रिडीम फाइनली। यो विंचू,
फाइनली हम लोगों ने हमारे इन्वर्टर सेट को रिडीम कर लिया है। क्या बात है गाइस, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, भूलना मत बिल्कुल भी। ओहो, वेन्यूम सेट हमारे आ गया, तू स्वागत तो करो हमारा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रहा है। देख रहे हो गाइस, इसने मुझे इज्जत नहीं दी थी, मुझे भोंटी बोला था इसने, लेकिन फिर भी मैं इसको कितना पसंद कर रही हूँ। देख रहे हो आप गाइस, कितने धोखेबाजी वाली दुनिया है आजकल। पर इसका इमोट नहीं मिल रहा यार, इसका इमोट था ना, अरे ये रहा इसका इमोट। देख रहे हो गाइस, कितना सेक्सी इमोट है इसका, अरे है एकदम मस्त। तो गाइस, जिसको ये सेट पसंद आए वो सब्सक्राइब कर देना, एंड जिसको वीडियो पसंद आए वो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब भालो थको, ठीक है, बाय।